वह हमारे लिए लाखों तीर्थ से बढ़कर है सोता। पुरीधाम कहने से ही पुरीधाम कहने से ही हृदय में भगवत प्रेम उत्पन्न होता है। इसलिए एक बार आप लोग मेरे साथ गाओगे, गाओ ना। कालिया मेरो है, जगन्नाथ मेरो है, सबके आशय नील माधव है। कालिया मेरो है, जगन्नाथ मेरो है, सबके आशय होता। इसलिए पतंजलि ने सुंदर बात कहा, परम अनु परम महत्व अंतस्य वशीकार। सुंदर कथा, अनु परम अनु, इसलिए मुझे भी कहना पड़ता है। कैसे कहूं सोता। सोता संसार में उन्हीं मनुष्यों का जीवन धारण करना सार्थक कहा जा सकता है जिनके हृदय पटल पर हर समय जगत गुरु श्री कृष्ण की मंजुल मूर्ति विराजमान है। आप लोग कह सकते हैं, बाबा जी हम लोग संसार में दिन रात व्यस्त है, फिर भी सोता पूरे के पूरे मन तो आप लोग नहीं लगा पाते ना, कुछ तो बाकी रह जाता, उस मन को लगा दो, कृष्ण रति में कृष्ण प्रीति में लगा दो, लगा दो। जिनके कर्ण रंध्र में प्रत्येक क्षण मनोहर श्री राधा नाम सुनाई पड़ती है, सोता गुरु कृपा होने के लिए कुछ लक्षण तो जरूर मिलता है ना। देखो आप लोग राधा नाम में गाते, जैसे लोधा परिवार है, बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है, भक्त है, तभी तो वो लोगों को हर समय राधे राधे कहना पड़ता है ना। राधे राधे गाते हैं लोग। राधिका राधिका, देखो ये साधु कृपा गुरु कृपा का फल, प्रभु की कृपा हो गई तो मानो कुछ ना कुछ सुंदर व्यवस्था जाते ना, यह है सहज साधन। तो श्रोता जिनकी चक्षु प्रभु की मूर्ति के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु का दर्शन ही नहीं करना चाहते, तो विशेषतः आज आज श्री गुरु पूनम में शिष्य स्वयं कृत्य कृत्य हो जाते। श्रोता श्रोता वे संपूर्ण संसार को ही संपूर्ण संसार कृष्ण बंदी जगत गुरु का नाम सुनाकर पावन बना देता है। इसलिए जोर जोर पूर्वक उच्चारण पूर्वक नाम गाना चाहिए, जैसे जहां तक जाए सब पावन बन जाते हैं ना। जगत गुरु की वाणी में उन्माद होता है सब लोग, संसार के कल्याण करने वाले एक ही मंत्र कृष्ण वंदे जगत गुरु, कृष्ण वंदे जगत गुरु, कृष्ण
धुन लगाइए यद्यपि मुझ बुद्धिहीन वृद्ध में एक भी गुण नहीं है तो भी मैं रसिक भक्तों के बीच में अवज्ञा को प्राप्त ना हो सकूंगा। क्यों ना श्रोता श्रोता क्षमावान होते हैं। आज श्री गुरु पूनम में गुरु परम जो आनंद है गुरु प्रेम रस श्रोता अर्थात गुरु प्रेम रस लोलुभ लोलुभ भक्त को तो मीठे के लोलुभ कहा जाता है ना। तो आप लोग मीठे के लोलुभ होकर वह मिठास किसके द्वारा किसके द्वारा? कोई बंगाली साधु बाबा जी या दूसरे कोई नहीं। जो लोलुप है ना वो कुछ विचार नहीं जानते नहीं करते। किसके द्वारा लाया गया है वो मिठास इसकी वही कुछ भी परा नहीं करते। जो लोलुप है आदर के साथ पान करते हैं आह मिठास को देखकर लाभ टपकी पड़ती है। श्रोता सुन रहे हैं ना। अनेक श्रोता है संस्कार के चलन के माध्यम से सुनते हैं वो लोग बार बार खुलते हैं अगर बाबा की कथा तो हम लोग तो ज्यादा समय दे नहीं पाते ना। साल में 4-5 प्रोग्राम दे सकते हैं। एक तो मैं मूर्ख हूँ मूर्ख हूँ जब जब सुनते तो लाभ टपकी पड़ती है सबको। आज गुरु पूनम में राबड़ी सार सड़ापर सरबर सरबर सो देखते ही आप लोग भी हाय 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 धीरज बाबू प्रेम से राबड़ी को सवरने लगते हैं। सोता राबड़ी मिलते ही बस दूध प्रिय है छाना प्रिय है धीरज बाबू। गुरु पूनम में आज आप लोग पीते रहो हैं। सोता आज प्रेम रस का पान करो और उच्च स्वर से कीर्तन करो तो कृष्ण नाम वंदे जगत गुरु कृष्ण वंदे जगत गुरु कृष्ण वंदे कृष्ण वंदे जगत गुरु कृष्ण वंदे जगत श्रोता श्रोता आज आप जो कुछ कार्य करेंगे सभी काम समस्त जीवों के कल्याण के निमित्त हो जाएगा। जो कुछ करेंगे जगत को पवित्र करने की शक्ति आप में स्वयं ही मौजूद हो जाएगा। आप स्वयं तीर्थ स्वरूप बन जाएंगे। श्रोता मस्ती में संसार के सभी पदार्थों को भूल जाओगे। आपके सामने ये संसार के सभी सुंदर सुंदर सुखद और चमकीले पदार्थ तुच्छ अति तुच्छ लगेगा। श्री गुरु पूनम की घोषणा जानते हो जीव जीव मुझे अंधकार का पाता
मिलना मुश्किल हो गया। मुझे अंधकार का पाता मिलना मुश्किल या मतलब जो शिष्य होते हैं ना उनके जीवन में दुखी नहीं आता, कभी अंधकार नहीं आता। आप लोग तो सुने हैं ना, करीब करीब एक महीना पहले की बात, संस्कार चैनल के माध्यम से हम लोग ठाकुर श्री रामकृष्ण देव जी के पिताजी की चर्चा की। दरिद्र है तो दरिद्र, लेकिन आनंद सागर में, आनंद सागर में, प्रेम सागर में। देखिए यही है भारतवासियों का परिचय होता, ये भारतवासियों का परिचय, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। भक्तों के जीवन में दुखी नहीं है, दुख का अभाव होता है। तुम लोग कहते हो, बहुत सारे वक्त लोग कहते हैं ना, जहां काम वहां राम नहीं, आज जहां राम वहां तो प्रेम की वर्षा। जानते हो जीव, जीव भूल से भी लोहा पारस से छुआ दिया जाए तो उसके सुवर्ण होने में कोई संदेह नहीं। इसलिए साधु संग से चाहे प्रेम से संबंध करो या ईर्ष्या देश से, कल्याण तुम्हारा अवश्य होगा ही होगा। प्रेम लाभ होगा ही होगा। अनेक भक्तों ने छोड़ दिया, दूसरी जगह चला गया। फिर भी मेरी चर्चा तो है ना, साधु साधु चर्चा तो है। साधु ऐसी एक वस्तु है ना, आप गाली दो तब भी मंत्र के समान, तब भी मंत्र के समान। क्योंकि सावर की झील में पत्थर हड्डी काकड़ी जो भी वस्तु गिर जाएगी वह नमक ही बन जाएगी ना, नमक ही बन जाएगी। इसलिए आप लोग बजाओ, अभी तो बागेश्वरी गाने का समय नहीं, लेकिन क्या करूं, संस्कृत है, पंडित लोग सुनते हैं ना, इसलिए आज ज्यादा से ज्यादा संस्कृत गाना ही हम लोग गाएंगे। आप लोग उठो मत है, सुन लो, कान में ले लो, समझने की चेष्टा मत करो, समझने की चेष्टा मत करो, सुन लो। अंतरात्मा है ना, वो तो समझते है ना। आप जो भी हो, आपकी भाषा जो हो, अंतरात्मा एक ही है ना, सुन लेंगे। सत्संग उपपादयति सत्ता
वीर जस सम्मक वेदना हिदिकारनाय रसायना सुख तासाम जसना सेव अपवर्ग विद्वानी वृत्ति पात्म जोस्मी तस्मी हार प्रथम श्रद्धा ततोरति ततो भक्ति अनुक्रमिष सत्संग सत्संग श्रोता आज श्री गुरु पूनमे जी नयन में श्री गुरु गोविंद की छवि समा गई जिस हृदय में हृदय मंदिर में प्रभु जी की प्रेम मूर्ति स्थापित हो गई फिर भला उसमें दूसरे के लिए स्थान कहाँ। आज श्री गुरु पूनम में जिनका मन मधु श्री कृष्ण नाम रूपी मकरंद का पान कर रहा है उनके चित्त को चित्त चोरने अपनी चंचल चित्त बन से अपनी ओर आकर्षित कर लिया। सत्ता आप लोग सुन रहे हैं ना, प्रभु आकर्षित कर लिया है सत्ता। आज वे फिर अन्य वस्तु की ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। प्रेम सोता अन्य वस्तु की ओर आंख उठाकर देखने की तो देख ही नहीं सकते। जहां प्रेम है उनकी जिह्वा सदा सदा
कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं 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 এই মহানাম পীযূষ কাহি নিরন্তর পান করাতি রহেগি রহেগি আজ 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 গুরু পূর্ণমী গুরু আর শিষ্য সব একসাথ পান করতে সতা শিব পুরো গুরু পূর্ণম কি ঘোষণা হ্যাঁ মেরি বাত নেই শ্রী গুরু পূর্ণম কি ঘোষণা হ্যাঁ সদা ইয়াদ করতে রহনে কি सदा याद सदा याद करते रहने की तो एक ही वस्तु है श्रोता एक ही वस्तु है आज के दिन श्री कृष्ण के सुंदर नामों की ही श्रवण मात्र से प्राणी मात्र का कल्याण हो सकता है और कुछ नहीं हाय हाय যোগী লোক করোড়ো বর্ষ তক সমাধি লাগা কর ভাতি ভাতিকে সাধন করতে রহনে পারবি যো কত হায় হায় কেউ কি শ্রীকৃষ্ণকে চারু চৈত্রকে অতিরিক্ত চিন্তনীয় চিজ আর হই কে আসক্তি হ্যাঁ শ্রোতা আর হই কে আসক্তি হ্যাঁ শ্রীকৃষ্ণ সাধু কি সম্পত্তি হ্যাঁ इसलिए मैं कहता हूँ अगर कोई साधु बाबा के नाम पर बैंक में किताब है ना बैंक में पैसा है ना वो साधु नहीं त्याग करो साधु लोग पैसा इकट्ठा नहीं करते हैं साधु की संपत्ति है जोगेश्वर श्री कृष्ण साधु संग कारी तो बहुत पसंद करते हैं और साधु संग कारी को बहुत पसंद करते हैं मेरे कालिया मेरे प्रभु कालिया साधु संग कारी को जो साधुसंग कारी आप लोग साधुसंग करते हैं ना आप लोग साधुसंग करते रहो आप लोग भी प्रभु के अपने प्रिय बन जाओगे और कुछ नहीं देखो मैं किसी को आरोप पोति बनाने के लिए साधु नहीं हुआ किसी का दुख मिटाने के लिए साधु नहीं बना एकमात्र साधु बना श्री कृष्ण प्रेम देने के लिए और कुछ नहीं प्रेम ले लो संसारी में कोई किसी का नहीं सोता आप लोग सोचते हैं मैं एक बेटा का जन्म दिया नहीं आप क्या किया एक रक्त मांस युक्त एक मांस पिंड का जन्म दिया कुछ नहीं आपकी हिम्मत आपकी शक्ति है कि एक रक्त मांस युक्त पिंड को जन्म दिया उसमें आत्मा प्रवेश करती है अपने संस्कार अपनी सब कुछ लेकर वो आत्मा प्रवेश करती है आत्मा प्रवेश करने की शक्ति आप में है क्या नहीं देखो ना विज्ञान क्या कहेगा गर्भ में एक महीना दो महीना के एक रक्त मांस युक्त एक पिंड है कुछ नहीं साधु संग करेगी तो क्या होगा महात्मा उस रक्त मांस पिंड युक्त देह में महात्मा शुद्ध आत्मा आ जाएगी नहीं तो दुरात्मा आ जाएगी भुगते रहो आप लोग सोचते हैं मैं बेटी की शादी दे दिया नहीं तो बेटा का शादी देने का मतलब क्या आप लोग कब्रिस्तान में भेज दिया कब्रिस्तान में भगाड़ में भेज दिया जहाँ कामिनी कांचन भोग सुख देह सुख इसी है ना भगाड़ में भेज दिया दुर्गम युक्त एक स्थान पर भेज दिया जहाँ सार्थ देश हिंसा आदि से भरपूर है जलते रहेगा बेटा आप भी जल रहे हो आपको बाप जले आपके बाप के बाप जले आप भी जलो आपका बेटा सब जलते रहेगा आते रहो जलते रहो मरते रहो आते रहो चलते रहेगा लेकिन इस जन्म में तो सत्संग मिल गया ना आज गुरु पूनम के दिन इस शुभ अवसर आप लोग कथा सुन लो ठीक है ना श्रोता श्री कृष्ण की शरण में जाना चाहे तो साधु संग में जाओ और कुछ नहीं
ना चार धाम जाना है, ना ही कोई मंदिर, कोई धाम में कोई नहीं है, एक भी मंदिर में गोविंद नहीं है इस कलि युग में, एक भी मंदिर में नहीं है, एकमात्र पूरी छोड़कर पूरी में प्रभु है, स्वयं कालिया है, संपूर्ण रूपे न कालियास विराजित है। और कहाँ है? साधु के साथ। अगर कृष्ण प्रेम पाना है, कृष्ण से मिलना है, तो साधु शंकर और कुछ नहीं, ना कोई बाबा, ना कोई योगी, ना कोई पंडित, ना कोई मीडिया के प्रसिद्ध वक्ता के पास, ना मीडिया के गुरुओं के पास, बाबा गुरु, माँ गुरु सब है ना, भगवान गुरु, भगवती गुरु लोग है ना, आकिंचन साधु के पास जाया करो, फूट फूट कर रोने का स्थान है साधु संग, साधु संग, साधु दर्शन का एक सुंदर नाम है, साधु दर्शन का एक सुंदर नाम है श्रोता। अमृतम प्रिय दर्शनम, अमृतम प्रिय दर्शनम, इस संसार में आपने प्रिय से प्यार से भेंट होना ही सर्वोत्तम अमृत है। तो आपने प्रिय कौन है? पत्नी नहीं, स्वामी नहीं, पुत्र नहीं, कन्या नहीं, कोई नहीं, एकमात्र प्रिय है तो साधु है। प्यार से भेंट होना है तो साधु से। श्री गुरु पूनम में इस अमृत रस का पान होना होता है, स्वतः पान करो। और बिना मांगे पान होता, पूर्ण कुंभ में प्राग में स्वतः ये वृद्ध साधु परम पूज्य गुरु महाराज शरणानंद जी की कृपा से, उनकी कृपा से प्राग में धन्य हो गुरु श्री शरणानंद जी महाराज, रमन रेतियाला बाबा। मैं तो दूसरा एक नाम से उनको पुकारा था, सदानंद, जब देखो सदानंद, बच्चे की तरह, बच्चा की तरह सदानंद, सदा प्रेम रस में डूबे हुए हैं। जिसने प्रेम का प्याला पी लिया है, उसे संसार में सर्वत्र उसी एक परम प्रेमास्पद प्रभु का ही रूप दिखाई देता है। प्रेम पयोद में प्रेम पूर्वक विहार करते हैं। ये अधम वृद्ध ने बाबा शरणानंद जी को पूरे एक महीने तक संकीर्तन अमृत रस पान कराया। अनेक साधु ने कहा, बाबा इस बार कुंभ में आनंद ही आनंद। हम लोगों का स्वभाव है सुबह मध्यान्ह काल और शाम में